हमेशा बुक्स में पढ़ते रहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर ये इनिशिएटिव ने हमें एक्चुअल में एक पूरे मिनी इंडिया को हम कहें तो ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे हर स्टेट से एक ना एक बच्चा आया और हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और पूरी इंडिया को पहचान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं. A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way, whereas leadership is the capacity that transforms thoughts into reality. I see Mr. Modi as a person who is having a leadership, a strong inbuilt leadership and a strong motivator indeed. ये जो पहल है ये उन सारे युवाओं को याद दिलाएगी कि कौन थे ये नेशनल लीडर्स. जैसे कि आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126th बर्थ एनिवर्सरी में उनके बारे में हमने बात की, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता चला जो हम जानते नहीं थे. तो ये बहुत ही बेहतरीन पहल है. ऐसे आयोजन होने चाहिए क्योंकि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलता है. मैं आज से पहले कभी दिल्ली नहीं आई हूँ और इस प्लेटफॉर्म के कारण आज मैं यहाँ हूँ और पीएम से इंटरेक्ट किया हमने, तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन अ वेरी वाइब्रेंट एंड अ डायनामिक लीडर्स फॉर आर नेशन, सो वी यूथ्स really take inspiration from his way of governing India, the new changes that he has been bringing, and especially he has inspired a lot of youths like us. I would like to say that the leadership qualities of Prime Minister Narendra Modi ji and his honesty is not only inspiring the youths of country but also the millions of people all over the world. I connect his initiative as an ideology of Netaji Subhash Chandra Bose. As it says, one person died with an idea, the idea after his death incarnates it in the life of 1,000 people. So I think he followed this rule of Netaji Subhash Chandra Bose. जब हम देखते हैं कि 16 साल के बच्चे 12 साल के बच्चों को पार्लियामेंट में जाकर ये सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, तो यही अपने आप में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन के बाहर निकलता है कि किस तरीके से वो आगे जाके किस तरह से भारत का भविष्य बना रहे हैं. ये आयोजन आगे कई वर्षों तक याद रहेगा और आगे के कई वर्षों तक ऐसे अन्य कार्यक्रम भी होते रहेंगे जिससे कि हम युवाओं को प्रत्यक्ष उन चीज़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो केवल हम दूर से देख रहे थे.